जिस लाउडस्पीकर को लेकर भारत में गदर मच गया था, हिंदुस्तान में दो समुदाय के बीच में तलवारें खींच गई थी, धर्म के ठेकेदारों ने जमकर जहर उगला था, जिस लाउडस्पीकर को मस्जिद से उतारने पर यूपी समेत पूरे देश में राजनीति के ठेकेदारों ने धर्म पर हमला बताया था, उस लाउडस्पीकर पर सऊदी अरब ने बैन लगा दिया है। रमजान में मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को बजाने पर रोक लगा दी है, यानी लाउडस्पीकर पर नमाज नहीं होगी। ये फैसला सऊदी हुकूमत का गलत फैसला है और उनको अपने फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। 2022 में सऊदी अरब ने लाउडस्पीकर की आवाज को कम करने का आदेश दिया था, लेकिन इस बार तो पूरी तरह से बैन ही कर दिया। यही काम 2022 में सीएम योगी ने यूपी में किया था, तो धर्म के ठेकेदारों ने जमकर हंगामा किया था, मस्जिद के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने को धर्म पर हमला करार दे दिया था। सऊदी अरब में सिर्फ मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर पर ही बैन नहीं लगा है, बल्कि रमजान को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, यानी रमजान में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये बताया गया है। मस्जिद में लाउडस्पीकर नहीं बचेगा, कोई भी व्यक्ति नमाज का सोशल मीडिया या टीवी पर प्रसारण नहीं करेगा, जब तक रमजान चलेगा तब तक मस्जिदों में इफ्तार नहीं, इफ्तार के आयोजन के लिए चंदा जुटाने पर भी पाबंदी, बिना आई कार्ड मस्जिद में प्रवेश नहीं, बच्चों को मस्जिद में लाने पर रोक। अगर इस तरह का कोई आदेश जारी किया है तो सऊदी हुकूमत को इसका रीजन वाजह करना चाहिए कि किस बिना पर उसने ये आदेश जारी किया है, क्योंकि यकीनन ये आदेश लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाएगा, उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा। अब 23 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने में सऊदी अरब के मुसलमानों को ये नियम मानने होंगे, नियम नहीं मानने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, सऊदी अरब सरकार इसे मुस्लिमों के हितों में करार दे रही है। मोहम्मद बिन सलमान अपने देश की अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने के लिए विजन 2030 पर काम कर रहे हैं और इसके तहत सऊदी अरब को बिजनेस के लिए सिंगापुर की तर्ज पर दुनिया की एक हॉट लोकेशन बनाने की कोशिश है, लेकिन उनके इस कदम से मुस्लिम कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।